Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने मुस्लिम कार्ड पर दमदारी से कायम है। बसपा प्रमुख मायावती ने मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने के साथ ही इस मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं अपने सांसद यानी कि अफजाल अंसारी की सजा पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और कोई भी बात बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन बसपा के सांसद दानिश अली ने अफजाल की सजा को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना करार दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से ही बसपा मुसलमानों को अपने पाले में खींचने के लिए जुटी है। उसकी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से छिटका मुसलमान वोट किसी तरह 2024 तक उसकी तरफ आ जाए। नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों को ज्यादा टिकट देना बसपा की उसी रणनीति का हिस्सा है। कुल 17 नगर नियमों में 17 में से 11 में बसपा ने मुसलमान प्रत्याशी को उतारा है। अब मायावती इस निर्णय को भुनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति गरमाई हुई है। इसे खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है। उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई है। मुस्लिम और अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अतः लोगों से अपने हित पर ज्यादा व विरोधियों के षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील की है। 2024 की तैयारी में मुस्लिम कार्ड। बसपा प्रमुख के इस बयान से साफ है कि वो नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड को खुलकर खेलने के मूड में है और यही वजह है कि अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद भी वो मौन बने हुए हैं। इससे भी यह इशारा दिया जाता है कि भले ही उनकी सांसदी चली जाए लेकिन पार्टी फिलहाल कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है। यहां तक कि बसपा के सांसद दानिश अली ने तो अफजाल अंसारी के मुद्दों पर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बात किया, उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली गई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसद और विधायकों के मुकदमे सदियों तक चलते रहेंगे। न किसी को सजा होगी और न ही किसी की सदस्यता छीनी जाएगी। ये है नए भारत का नया दस्तूर। अतीक अहमद पर मायावती की चुप्पी बरकरार है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के मुद्दे पर भी मायावती जो है वो लंबे समय तक मौन रही। अंत में जब नामांकन शुरू हो गया और लगा कि अब चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तब मायावती ने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, पार्टी से अब नहीं निकाला। कुल मिलाकर बसपा का मुस्लिम कार्ड लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में है। यदि नगर निगम चुनाव में कुछ भी मुस्लिम के उनके साथ आ जाते हैं तो इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मायावती को जरूर मिलने वाला है और शायद इसीलिए अफजाल अंसारी की लोकसभा की कुर्सी चले जाने के बावजूद भी मायावती खामोशी नजर आ रही हैं। बाकी आपको इसके पीछे की क्या राजनीति लगती है बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।